तो हमारी चर्चा यहाँ चल रही थी, 15 नंबर का था प्रश्न, 15 नंबर की गाथा, समय सार पहला पूर्व रंग अधिकार। और वो गाथा कुछ इस प्रकार से है कि जो पश्यति अपानम अबद्ध पुट्ठम अनन्य मविशेषम अपदेश संत मध्यम पश्यति जिनशासनम सर्वम। आत्मा की शुद्ध नए रूपी आत्मा की अनुभूति, उसी को वास्तव में ज्ञान की अनुभूति कहा है। और ऐसा जानकर आप अपनी आत्मा को निश्चल स्थापित करें, नित्य इसी आत्मा को देखें। ये इस कलश के बाद ये एक 15 नंबर की गाथा आई थी। तो उसमें ऐसा कहा था कि जो पुरुष आत्मा को अबद्ध स्पृष्ट अनन्य अविशेष देखता है, वह संपूर्ण जिन शासन को देखता है, वह जिन शासन बाह्य द्रव्य और अभ्यंतर ज्ञान रूप भाव श्रुत वाला है। तो इसी संबंध में हमने उदाहरण लिया था कि आत्मख्याति में इस बात को किस प्रकार से स्पष्ट किया गया है। आचार्य अमृतचंद ने जो टीका लिखी है उसमें वो क्लियर कर रहे हैं कि इसका क्या तात्पर्य। जो पुरुष आत्मा को अबद्ध स्पष्ट अनन्य अविशेष देखता है, वो संपूर्ण जिन शासन को देखता है। तो इसमें ये कहा गया कि आप अपनी आत्मा को समस्त परद्रव्यों से रहित देखिए, यहां तक कि उनने तो आत्मा में झलकने वाले जो गेय हैं उससे भी भिन्न बताया है कि आप अपनी आत्मा का अनुभव, आपके ज्ञान में जो गेय झलकते उससे भी भिन्न जाकर आप अपनी आत्मा के ज्ञान का अनुभव कीजिए। और उसी बात को यहाँ आत्मख्याति टीका में जो उदाहरण के द्वारा समझाया गया है, तो लास्ट टाइम वी वर जस्ट डिस्कसिंग दिस एग्जाम्पल एंड इट इज वेरी गुड एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन द सब्जेक्ट इन मैटर। द एग्जाम्पल वॉज ऑफ सॉल्ट, लाइक सॉल्ट आचार्य डिस्क्राइब टू टाइप्स ऑफ सॉल्ट, वन सामान्य एंड सेकेंड विशेष। तो सामान्य सॉल्ट इसमें इट मीन्स प्योर सॉल्ट विदाउट एनी मिक्सअप ऑफ एनी थिंग, एंड विशेष सॉल्ट इट मीन्स अ सॉल्ट मिक्सअप विथ वेजिटेबल्स। तो जो सब्जी होती है उसके उसको इन्हें विशेष नमक लवण कहा है। तो आचार्य सेइंग बाय जस्ट एक्सप्लेनिंग दिस एग्जांपल ही सेइंग दैट सामान्य लवण एंड विशेष लवण, सामान्य नमक और विशेष नमक, तो विशेष का तिरोभाव और सामान्य लवण का आविर्भाव। तिरोभाव का मतलब होता है हटाना, दूर करना, निषेध करना, और आविर्भाव का मतलब होता है ग्रहण करना, प्रकट होना। तो पहले तो अज्ञानी क्या करता है, अज्ञानी के बारे में बता रहे हैं। अज्ञानी सामान्य लवण का तिरोभाव करता है और विशेष लवण का आविर्भाव करता है। ज्ञानी विशेष लवण का तिरोभाव करता है और सामान्य नमक का आविर्भाव करता है। मैं जानता हूं ये शब्द एक से लग रहे होंगे कि दोनों का क्या मीनिंग है, दोनों सेम तो लग रहे हैं, सामान्य और विशेष। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि अज्ञानी जीव विशेष का आविर्भाव करता है, आविर्भाव मतलब प्रकट में रखता है और उसी को नमक मानता है। ज्ञानी जीव सामान्य का आविर्भाव रखता है और विशेष का तिरोभाव करता है। तो यहां अज्ञानी जीवों की प्रवृत्ति को यहां बता रहे हैं कि अज्ञानी जीव किस प्रकार से सामान्य का तिरोभाव कर देता है और विशेष का आविर्भाव करता है। तो विशेष जो बताया वो बताया है कि साहब जो
जी कुछ कह रहे हैं क्या आप? तो अब यहाँ ये कह रहे हैं कि साहब ये नमक का तो हमें समझ में आ गया कि दो प्रकार का नमक होता है, एक सामान्य नमक और विशेष नमक। सो लास्ट टाइम वी डिस्कस अलॉट अबाउट सामान्य नमक, सामान्य सॉल्ट एंड विशेष सॉल्ट। टुडे वी आर गोइंग टू जस्ट सी द मेन प्रिंसिपल्स जिसके लिए ये उदाहरण दिया गया। अब हम वो प्रिंसिपल समझने यहाँ जाएंगे। तो ज्ञान गेय का लास्ट टाइम थोड़ा सा मैंने आपको डिस्क्राइब किया था, उसको थोड़ा विशेष लेते हैं कि हमारा ज्ञान जो है ना, ज्ञान सामान्य है और ज्ञान विशेष है। ज्ञान विशेष क्या है? गेय मिश्रित जो ज्ञान होता है उसको विशेष ज्ञान बोलते हैं। उधर सब्जियों में मिला हुआ जो नमक था उसे विशेष नमक कहा था। ऐसे ही गेयों के साथ जो मिश्रण होता है, मतलब हम जो जानते हैं वो गेयों के साथ जो आकार रूप मिश्र बना है वो विशेष कहा जाता है। तो अब यहां ये कह रहे हैं आचार्य कि सामान्य नमक और विशेष नमक दोनों में नमक तो सेम है, दोनों में नमक में कहीं अंतर नहीं है, मतलब उनका खारापन जो है ना वो तो बराबर है, खारेपन से देखा जाए तो कोई अंतर नहीं है। लेकिन अज्ञानी जीव क्या करता है, विशेष नमक को ही असली नमक मानने लगता है। मतलब कि जो मिक्सअप बना है ना सब्जियों के साथ में नमक का, उसको ही मानता है यही असली है और सामान्य को जानते ही नहीं। इसीलिए अज्ञानी जीव गेयों से मिश्रित ज्ञान को ही ज्ञान मान लेता है। फिर से बोल रहा हूं मैं, अज्ञानी जीव गेयों से मिश्रित ज्ञान को ही ज्ञान मान लेता है। वो ये जानता ही नहीं कि गेयों से भिन्न एक सामान्य ज्ञान है जो मात्र ज्ञान मात्र है जो। तो फिर यहां कहा कि अज्ञानी जीव को सामान्य ज्ञान ख्याल में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि वो गेय लुब्ध है। गेय लुब्ध अर्थात कि जैसे सब्जी में स्वाद लोलुपी होता है ना, तो वो स्वाद लोलुपी मतलब सब्जी खाना चाहता है, वो उसको ही नमक मानता है। ऐसे गेय लुब्ध का तात्पर्य ये है कि ये जीव जानना चाहता है पर को, और उस पर को जानने कोई बोलता है कि यही ज्ञान मात्र है, यही सामान्य ज्ञान है। तो वो कह रहे नहीं, ऐसा नहीं है, आप जो देख रहे हैं ना, आप ज्ञान में जो गेय झलके, उन झलकते हुए ज्ञान में जो गेय हैं आप, वो विशेष ज्ञान है, वो सामान्य ज्ञान नहीं है। तो परमार्थ से अगर देखा जाए, परमार्थ से अगर देखा जाए तो जिस तरह से विशेष जो नमक होता है वो मिश्रित होता है, और सामान्य नमक जो होता है वो मिश्रण से रहित होता है, इसी तरह से गेयों से मिक्स जो ज्ञान होता है, जैसे हम जान रहे, हम पर पदार्थ को जान रहे, तो पर पदार्थ को जानने में हमने ऐसा माना यही ज्ञान है। तो यद्यपि है ज्ञान ये सही बात है, ज्ञान है ये सही बात है, परंतु ये गेयों से मिश्रित ज्ञान है। तो अज्ञानी जीव उस गेयों से मिश्रित ज्ञान को ही ज्ञान मान देता है। अज्ञानी जीव गेयों से मिश्रित ज्ञान को ही ज्ञान मान लेता है, और ज्ञानी जीव विशेष ज्ञान का तिरोभाव करता है और सामान्य ज्ञान का आविर्भाव करता है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा कठिन तो हो रहा होगा, फिर भी आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू व्हाट एग्जैक्टली इन दिस टीका। फिर से मैं आपको बता रहा हूं हमने कितने सारे शब्द देखे, आप लोग याद कर लीजिए। हमने देखा सामान्य लवण, विशेष लवण, सामान्य का तिरोभाव अर्थात निषेध अभाव, और विशेष का आविर्भाव, आविर्भाव मतलब प्रगटपना। फिर हमने एक शब्द और देखा इससे अपोजिट, सामान्य का आविर्भाव मतलब सामान्य का प्रगटपना, और विशेष का तिरोभाव अर्थात विशेष का निषेध गौणपना। फिर हमने देखा ज्ञान,
ऑर्गे। और शब्द आए उसमें सामान्य ज्ञान और विशेष ज्ञान, ठीक है। गे निश्चित ज्ञान, जिसे यहां कहा विशेष ज्ञान, और सारे संयोगों से रहित, इवन गेयों से भी रहित जो ज्ञान मात्र है वो उसे यहां कहा विशेष ज्ञान। फिर इसके बाद ज्ञानी अज्ञानी की अवस्था बताई कि जिस तरह से एक अज्ञानी सामान्य नमक के स्वाद को ना पहचानते हुए विशेष नमक को ही सामान्य नमक मानने लगे, तो उससे कहा कि तुमने सामान्य का तिरोभाव कर दिया और विशेष का आविर्भाव किया। उसी तरह से कोई अज्ञानी गे मिश्रित ज्ञान को ही ज्ञान मानने लगे, अर्थात विशेष ज्ञान को ही ज्ञान सामान्य मानने लगे, ज्ञान मात्र मानने लगे, तो कहते उसने क्या किया, उसने विशेष का आविर्भाव किया और सामान्य का तिरोभाव किया। फिर और कह रहे हैं आगे कि यद्यपि उन दोनों में सामान्य और विशेष ज्ञान में देखा जाए तो ज्ञान तो कॉमन है, ज्ञान से दोनों में कोई अंतर नहीं, सामान्य और विशेष ज्ञान में ज्ञान कॉमन है, उसमें कोई अंतर नहीं है, ज्ञान वही है। लेकिन अज्ञानी जीव क्या करता है, वो विशेष को सामान्य ज्ञान मान लेता है। अब सामान्य ज्ञान क्या होता है तो बता दिया कि सब सामान्य ज्ञान जो है परमार्थ से देखा जाए तो विशेष ज्ञान में और सामान्य ज्ञान में दोनों हैं तो ज्ञान, लेकिन विशेष ज्ञान में गे मिश्रित ज्ञान है, मिक्सअप है, और सामान्य ज्ञान में केवल सामान्य ज्ञान है, तो जिसे कहेंगे सामान्य का आविर्भाव अनुभव में आता है। फिर उसी बात को और आगे बढ़ाते हैं अपन, कि जो टीका में दिया है बोल रहा हूं मैं आपको। फिर कह रहे हैं कि साहब जिस प्रकार अन्न द्रव्य के संयोग से रहित केवल सैंधव का अनुभव किए जाने पर, जो टीका में जो शब्द आया है ना वो सैंधव शब्द आया है, तो कह रहे हैं सैंधव का अनुभव किए जाने पर सैंधव की डली सब ओर से क्षार रूप ही स्वाद में आती है ना। ये बहुत विशेष उदाहरण है। तो दो उदाहरण मिलते हैं ज्ञान सामान्य को समझाने के लिए, एक शक्कर का मिलता है, एक नमक का मिलता है। तो नमक का क्या उदाहरण है इसमें, कि जिस तरह से परमार्थ से देखा जाए तो सामान्य जो नमक है वो सामान्य नमक सभी जगह से छार पना उसमें स्वाद में आता है, और वो पर द्रव्य के संयोग का को तोड़ देता है, केवल आत्मा ही अनुभव किया जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि इसने विज्ञान घनता के कारण केवल एक आत्मा का ही स्वाद लिया, ज्ञानी जीव ने केवल एक आत्मा का ही स्वाद लिया। लेकिन चूंकि अज्ञानी जीव ने कभी विचार ही नहीं किया कि साहब ये आत्मा रहित तो हो सकती है कैसे, मतलब आत्मा में सामान्य ज्ञान ज्ञान मात्र भी हो सकता है। जैसे अज्ञानी जीव ने कभी प्लेन नमक देखा ही नहीं कि साहब केवल नमक भी प्लेन, मतलब संयोगों से रहित नमक भी होता है, तो वो ये मानता है कि भी बस जो सब्जी खा रहा है तो लगता है बस यही नमक है, इसमें नमक होता है। ऐसे ही एक अज्ञानी ने वो विशेष आत्मा को देखा है, मतलब समझ लो हमसे ही कह रहे हैं वो कि आपने तो अभी तक जो भी देखा वो मिक्स को देखा आपने, तो सामान्य ज्ञान देखा ही नहीं आपने कभी। तो जब सामान्य ज्ञान नहीं देखा तो वो आत्मा भी स्वाद में आपको नहीं आएगा। तो कहा कि आत्मा किसके स्वाद में आता है, तो जो जीव विज्ञान घनता के कारण सामान्य ज्ञान का अनुभव करता है, सामान्य ज्ञान अर्थात ज्ञान मात्र का अनुभव करता है, जैसे केवल नमक को चखने पर चारों ओर से वो खारा ही दिखाई देता है, खारा स्वाद आता है, इसी तरह से आत्मा जो है वो ज्ञान रूप है और वो चारों ओर से ज्ञान रूप ही दिखाई देती है जब ये जीव उसको ज्ञान रूप मात्र ज्ञान रूपों से अनुभव करता है। ये टीका में इतना बताया गया। अभी हम और उसका डिटेल भी करते हैं, लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि इतना क्लियर है कि नहीं है। फिर जी
हाँ सौरभ जी, ये क्लियर है। क्लियर है? हाँ हाँ बताइए, इसमें क्या क्या समझा अपन ने? जो टीकाम पूरा जो आया वो अपन ने डिस्कस किया। हाँ यानी ये समझा अपन ने कि जो अज्ञानी जीव होता है वो ज्ञान में जो गेय रूप आकार होते हैं और सामान्य ज्ञान होते हैं, उनको सबको मिला है वो ज्ञान को ही ज्ञान मान लेता है, और ये सब ज्ञान है वैसा अनुभव करता है। जबकि जो उसे ज्ञानी कौन सा जीव ज्ञान होता कहा, है कौन वो सा ज्ञान नाम दिया यहाँ गे को मिला के जानने वाला? ये को मिला के जानने वाला ज्ञान सामान्य ज्ञान है, विशेष ज्ञान है? वो विशेष ज्ञान है, विशेष ज्ञान। विशेष। ओके गुड। हाँ, और जो ज्ञानी जीव होता है वो जो विशेष ज्ञेय आकार रूप ज्ञान है उनको उनको दूर करके सिर्फ जो सामान्य ज्ञान है उसको ही अनुभव करता है, उसमें ही मैपना करता है, तो उससे उसका ही आनंद लेता है। और इसका जो उदाहरण है वो नमक की तरह दिया है कि सामान्य नमक का जो अगर शुद्ध नमक का ही स्वाद लिया जाए तो हर ओर से खारा ही लगता है अपने को, जो नमक नमक का जो स्वाद आता है वही आता है, परंतु तो अगर और चीजों से मिश्रित अगर उसमें स्वाद मिला दिया जाए तो फिर वो मिश्रित और चीजों के वाला मिश्रित स्वाद आता है, तो वो वाला स्वाद हो गया, वो सामान्य नहीं वो विशेष वाला हो गया। बहुत बढ़िया, एकदम सही बताया आपने कि नमक सामान्य और विशेष, और आपका आत्मा का ज्ञान सामान्य और विशेष, ऐसे दो प्रकार से यहाँ बताया है। हाँ कुंजन जी, आप बताइए क्या समझ में आया? सौरभ जी, अज्ञानी जीव सामान्य का तिरोभाव करके विशेष का आविर्भाव करता है, और ज्ञानी जीव सामान्य का आविर्भाव करके विशेष का तिरोभाव करता है, ताकि वो सिर्फ ज्ञान को अलग से मतलब अनुभूति कर सके, और वो मतलब विशेष ज्ञान को सबके साथ मिला हुआ नहीं जान। गुड। ये शब्द आपको याद हो गए, सामान्य का आविर्भाव, विशेष का तिरोभाव। गुड। और इसमें नमक के और ज्ञान का उदाहरण बताइए, सामान्य और विशेष पे घटित करके बताइए, नमक का और ज्ञान का उदाहरण। तो ज्ञानी जीव मतलब अज्ञानी जीव क्या करेगा कि मतलब नमक का मतलब विशेष जो गुण है उसको आविर्भाव करेगा, और उसका जो सामान्य रूप है उसको तिरोभाव करेगा, लेकिन ज्ञानी जीव सामान्य का आविर्भाव करके विशेष का तिरोभाव करेगा, वेरी गुड, ताकि वो नमक को मतलब अलग से सामान मतलब उसके गुण के हिसाब से जाने और विशेष सबके साथ मिला हुआ ना जाने। हाँ मतलब नमक मात्र को जाने वो, ठीक है। तो ये उदाहरण है सैंधव की, जो डली डली होती है, सैंधे नमक की जो डली होती है, तो उस सैंधे नमक की जो डली होती है वो कहीं से भी आप उसको चखो, कहीं से भी आप चखोगे तो वो खारी ही जान पड़ती है। तो ऐसे ही आत्मा को सामान्य रूप से जानने पर कहीं से भी देखो वो ज्ञान रूप ही दिखाई देता है। बढ़िया, आप दोनों ने एकदम सही उत्तर दिया, समझ में आया आप लोगों को। मतलब अब इसका थोड़ा सा हम और विशेष कर लेते हैं समझने के लिए, फिर अपन भले नेक्स्ट गाथा पे जंप हो सकते हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि विशेष बात यह है इसमें कि अज्ञानी जो करता है विशेष का आविर्भाव तिरोभाव करता है, और सामान्य का विशेष का विशेष का आविर्भाव करता है, सामान्य का तिरुभाव करता है। तो हमारे लिए इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप अभी जो विशेष का तिरुभाव कर रखा है, तो आपने सामान्य का तो आपको करना है आविर्भाव, और विशेष का करना है आपको तिरुभाव। वैसे नमक और आत्मा देखी जाए तो नमक तो अपने स्वभाव को कभी नहीं छोड़ता, वो खारेपन को लिए हुए रहता है। इसी तरह से आत्मा भले ही विशेष ज्ञान में बोली जाए या फिर सामान्य ज्ञान वाली बोली जाए, लेकिन दोनों में जो आत्मापना है, ज्ञानपना है, वो तो समान है। लेकिन ये तो जो दो भेद किए, ये तो ज्ञानी अज्ञानी की मान्यता समझाने के लिए किए। तो जो गेयाकार भी झलक रहे ज्ञान में, वो गेया गेयाकार भी ज्ञान में तो झलक रहे ना, तो ऐसे तो ज्ञान ही है। जैसे सब्जी में नमक डला हुआ है तो वो सब नमक अपना खारापन कहाँ छोड़ा,
उस खारेपन का स्वाद अलग आता है। तथापि ये आत्मा को मिक्स रूप में जब जानता है, गेय मिश्रित जानता है, तो कहते हैं कि आप फिर आत्मा को मूल रूप में नहीं जानेंगे। और मूल रूप में नहीं जानने से क्या घाटा होगा कि जो जीव आत्मा को संबंधों से सहित जानता है या विशेष जानता है, उसे आत्मा की अनुभूति नहीं होती। तो जिस जिस जीव को आत्मा की अनुभूति करनी है उसके लिए कहते हैं कि उसको आत्मा को सामान्य रूप से जानना पड़ेगा। सामान्य रूप से यहां तात्पर्य ज्ञान मात्र जानना पड़ेगा, है ना। वैसे आगे आने वाली गाथाओं में यह आएगा कि आपको आत्मा को विशेष रूप से जानना पड़ेगा। तो विशेष रूप से जानना पड़ेगा, वहां तात्पर्य कि गहराई से जानना पड़ेगा। यहां आपको सामान्य रूप से जानना पड़ेगा से तात्पर्य आचार्य का है कि आपको अपने आत्मा को गे से रहित मात्र केवल एक ज्ञान मात्र ही आत्मा को जानना होगा, कुछ और नहीं जानना होगा। सौरभ जी, मुझे यही प्रश्न आ रहा था यहाँ पे कि सामान्य के रूप में भी जानने के बाद विशेष के साथ में मिला हुआ होगा तभी उसको अलग करके, मतलब वैसे भी जानना तो होगा ही, राइट। मतलब आगे जाके भी वो भी बताएंगे, राइट, बिकॉज विशेष में तो हम जानते हैं, बट उसको तो भी स्पेसिफिकली सामान्य में समझने के बाद विशेष में फिर अलग करना भी एक मतलब जानना ही होगा। हाँ, यहाँ पता है क्या कह रहे हैं कि वो विशेष में मिला हुआ होने पर भी वो सामान्य का स्वाद ले सकता है, मतलब वो अपने ज्ञान को समस्त गेयों से रहित मान सकता है, गेयाकारों से रहित मान सकता है, और विशेष में भी सामान्य का अनुभव कर सकता है वो। प्रश्न है यहाँ पे कि ये कुंजन के प्रश्न से रिलेटेड है कि विशेष, जैसे विशेष विशेष जो पदार्थ है जो मिले हुए हैं, तो जब हम ज्ञान कर रहे हैं तो यहाँ पे मुख्य गुणों की व्यवस्था है ना, कि क्योंकि जानना तो हो जाएगा, विशेष है तो जानना तो होगा, परंतु हम मुख्यतः अपने सामान्य की कर रहे हैं, हम उसकी गौण, उसको गौण करना चाह रहे हैं ना विशेष को, ऐसा कह रहे हैं। गौण गौण करना चाह रहे, यानी वो जानना रहेगा परंतु उस पे हमें फोकस नहीं करना है, उसमें हमें ज्यादा उलझना नहीं है, सिर्फ हमें हमारा ध्यान और अपना अपनापना दोनों जो है, अपना ज्ञान और श्रद्धा दोनों हमारे सामान्य पे केंद्रित करना है। हाँ, देखिए, मतलब ऐसे देखा जाए तो हमारा ज्ञान तो हमेशा गेयों मिश्रित ही रहेगा, सामान्य ज्ञान तो होगा ही नहीं कभी। सामान्य ज्ञान तो केवल केवली का है, ठीक है, हमारा ज्ञान सामान्य तो कभी होगा ही नहीं। तो यहाँ दो भेद क्यों करे उन्होंने, वो ये बोल रहे हैं कि आप जो गेय मिश्रित ज्ञान का स्वभाव मात्र जान रहे हो, तो बोले गेय मिश्रित मत जानो, उसमें आप केवल और केवल निखलस केवल आत्मा का ज्ञान को ही आप अनुभव करो, गेयों से मिश्रित ज्ञान का अनुभव मत करो, गेयों के मिश्रण से रहित ज्ञान का अनुभव करो, तो आपको आत्मा की अनुभूति होगी। तो सामान्य अवस्था में तो हम लोग हैं ही नहीं ना ज्ञान की, वो तो केवल ही है, केवल कि उनको कोई नहीं है। और ऐसे देखें तो उनके भी ज्ञान में गेय तो झलक ही रहे, उनके भी ज्ञान में गेय झलक रहे, तो वो उनका विशेष ज्ञान कह सकते कि उनका भी है, लेकिन उनका तो पूरा उस विशेष में से भी उनको तो आत्मा के स्वाद आता है केवल, ठीक है। तो अपने गे तो कभी झलकना बंद नहीं होंगे, लेकिन उसमें ये कहा गया कि आपको उसमें से अपनी आत्मा को समस्त गेयों की प्रतिबिंब से रहित मानकर अपनी आत्मा को सामान्य ज्ञान अर्थात मैं मात्र ज्ञान वाला हूं ऐसी मान्यता रखने वाले कोई आत्मा की अनुभूति होती है। सौरभ जी, अगर हम अपने एग्जाम्पल में से ले, नमक के मतलब दली के एग्जाम्पल में लेके उसको सामान्य का मतलब पता ही नहीं हो कि कैसा खारापना है कैसा है, और फिर वो विशेष में मिला हुआ है वैसे ही उसको माने, तो उसमें वो जब सामान्य का कभी विशेष में से कभी अनुभव कर ही नहीं सकते। हाँ, तो है ना कि उसको असली स्वाद कभी आ ही नहीं पाएगा, जिसको सामान्य विशेष का ज्ञान नहीं है तो उसे, उसने तो विशेष को ही सामान्य मान लिया ना कि भाई ये ही आत्मा है। तो जिसको अज्ञान भाव है, सामान्य और विशेष का ज्ञान नहीं है, उसको तो कभी सामान्य का आभास होगा ही नहीं, उसको तो ऐसे ही लगेगा कि भाई मेरा घर ही पूरी दुनिया है, क्योंकि उसको दुनिया में गए ही नहीं ना कभी, राइट। तो कहते हैं कि साहब वो इसने कभी क्या है, इस जीव ने कभी खाली नमक नहीं देखा,
लीन नमक नहीं देखा, इसलिए इसे उसका स्वाद भी नहीं मालूम, अज्ञान अवस्था है ना इसकी। तो बोले ये पहले खाली नमक देखे, फिर कहते हैं हाँ पुस्तकों से सुनकर भले ही कह सकता है कि नमक खारा होता है, खाली मतलब निकलस नमक खारा होता है, लेकिन इसने कभी देखा नहीं, गहराई से समझा नहीं इसने। तो ऐसे ही कोई अज्ञानी कभी कहता है कि साहब ये आत्मा तो संयोगों से रहित है ना, बद्ध स्पष्टादि भावों से संयुक्त है और गेयों से भी गेय इसमें प्रवेश नहीं करते। तो कह रहे हैं कि वो भले ही शास्त्रों से पढ़कर या गुरु मुख से सुनकर कह दे, लेकिन जब तक वो अपनी आत्मा को अंतरंग से इन शरीर आदिक से भिन्न अबद्ध स्पष्ट आदि भावों से युक्त ये ज्ञानानंद स्वभाव ही नहीं मानेगा, तब तक उसको आत्मा का अनुभव नहीं होगा, अन्यथा वो बातों तक ही बात सीमित रह जाएगी। लेकिन फिर किसी ने समझाया और इसने सही में समझने का प्रयास किया, तो उसने फिर सामान्य और विशेष नमक को देख लिया, तो उसने फिर सामान्य नमक को पहचान लिया कि ये नमक मात्र को सामान्य कहते हैं और विशेष नमक मिक्स को कहते हैं। इसी तरह से आचार्यों ने, भगवान की वाणी ने हमें समझाया कि साहब आप यद्यपि संयोगों से सहित दिखाई देते हैं, लेकिन आप थोड़ा ध्यान लगाएंगे तो आप संयोगों से मिश्रित ज्ञान का अनुभव मत करो, आप संयोगों को गौण कर दो और एक बार ये अनुभव करो कि मैं तो मात्र ज्ञान वाला हूं और कोई संयोग मेरे साथ नहीं है, तो फिर आपको आत्मा की अनुभूति की तैयारी हो जाएगी। लेकिन जो गेय लुब्ध जीव हैं वो ऐसा अनुभव कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उनने तो कभी समझा ही नहीं ना कि आत्मा ज्ञान मात्र भी हो सकता है, यही ज्ञान जो है सामान्य रूप हो सकता है, वो ऐसा नहीं समझते, लेकिन ज्ञानी वैसा समझते हैं। और ज्ञानी जो समझते हैं, तो ज्ञानी क्या समझते हैं, विशेष का तिरोभाव, सामान्य का आविर्भाव, तो उसी को यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि वही ज्ञान की अनुभूति है, वही आत्मा की अनुभूति है, वही शुद्ध नय का उदय होना है। मतलब अपन ये जो गाथा ले रहे हैं अपन 15 नंबर की, तो उसमें क्या कह रहे हैं कि जो विशेष का तिरोभाव किया इस जीव ने, विशेष ज्ञान का तिरोभाव किया और सामान्य ज्ञान का आविर्भाव किया, तो सामान्य ज्ञान का जो आविर्भाव किया उसी को आचार्य ने कहा कि साहब वही ज्ञान की अनुभूति है, उसी को आप आत्मानुभूति की अनुभूति कह लो, वही शुद्ध नय है। तो इस तरह से ये आचार्य ने सुनिश्चित कर दिया कि आत्मानुभूति के काल में सामान्य ज्ञान का आविर्भाव रहता है और विशेष ज्ञान का तिरोभाव हो जाता है। तो इस तरह से एक हमारी दृष्टि बदलने की बात यहाँ आचार्य ने कही है कि किस तरह से दृष्टि बदलेंगे, तो वो सामान्य जो ज्ञान है उसका आपको अनुभव हो जाएगा। और जो कहा है कि साहब शुद्ध नय को जो जानता है वही सर्वजन शासन को जानता है, तो वो यही कह रहे हैं कि साहब आपने अगर ये वाली बात समझ ली कि ज्ञान मात्र मैं हूं, तो कह रहे हैं जिसने ये जान लिया कि मैं समस्त गेयों से रहित ज्ञान मात्र मैं हूं, ज्ञान की जिसने अनुभूति कर ली, तो कहा कि वो सर्वजन शासन को जानता है। और फिर ऐसा ये शुद्ध भगवान आत्मा हमारे ज्ञान में नित्य प्रकाशित रहे, इस तरह से बात है। और इसकी इसी बात को आगे 14 नंबर के कलश में और क्लैरिफाई किया है आचार्य ने। तो आई होप इतना आप लोगों को इस गाथा के बारे में समझ में आ गया होगा कि 15 नंबर की गाथा में जो एक शब्दावली आई नो थोड़ी सी कठिन थी, तो लास्ट टाइम भी जस्ट आई ट्राइड अलॉट टू एक्सप्लेन यू टू मेक यू रिमेम्बर कि आपको याद रहे ये, लेकिन हो गए। आप दोनों ने जो आंसर दिए तो एकदम बढ़िया दिए, सामान्य और विशेष जिसमें कन्फ्यूजन हो जाती, मतलब मैं भी बोलता हूँ तो मुझे भी कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है, दिमाग में बराबर रहता है लेकिन वो शब्दावली थोड़ी सी मिक्सअप लगती है। तो इस तरह से ये हमारी 15 नंबर की गाथा के बाद, फिर 14 नंबर का कलश यहाँ आचार्य ने लिया है। तो आई होप आप लोगों को ये गाथा और इसका सिद्धांत पूरा समझ में आ गया, दो लोगों से पूछ भी लिया मैंने, और जो लोग आए उससे पूछ लेते हैं। आदर्श जी, प्रतेश जी, आप लोगों को क्लियर है 15 नंबर की गाथा? कुछ डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी सौरभ जी, कैसे? क्लियर है। ले रहे
रितेश जी आप बताइए। जी क्लियर है जी, क्लियर क्लियर, गुड। चलिए अब हम 14 नंबर का कलश निकालते हैं। निकाल लीजिए, मैं यहां से पढ़ूंगा, फिर आप लोग बाद में पढ़िए। खंडित मनाकुलम ज्वलदंत मंतर बहिर्महा परम मस्तुना सहज मुद्विलासम सदा चिदुच्छलन निर्भरम सकल काल मालंबते यदेकर समुल्ल सल वन खिल्य लीलायितम। इसका हिंदी में अर्थ है कि खारेपन से भरी हुई जो नमक डली है, ज्ञान भाव से भरा हुआ त्यों निज आत्म है, अंतर बाहर प्रकट तेजमय सहज अनाकुल जो अखंड चिन्मय चिदगन वह हमें प्राप्त हो। तो नमक का उदाहरण यहाँ भी नहीं छोड़ा है आचार्य ने इस कलश में, तो यहाँ भी उनने बता दिया भाई नमक और आत्मा का, नमक के एग्जाम्पल से आत्मा को कैसे समझा जा सकता है। मैं एक बार फिर से संस्कृत के श्लोक पढ़ता हूँ, आप लोग मुझे पढ़ के सुनाएंगे, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। अखंडित मनाकुलम ज्वल दनंत मंतर वहिर्महा परम मस्तु ना सहज मुद्विलासम सदा चिदुच्छलन निर्भरम सकल काल मालंबते यदेकर समुल्ल सल वन खिल्ल लीलायितम। हाँ पढ़िए, कोई पढ़ दीजिए, पूजन जी आप ही पढ़िए, चालू करिए। अखंडित मनाकुलम ज्वलन ज्वलन मंत बरहि मर परमस्तु नम सहज मुद्विश्लासम सदा चिदुच्छल छल निर्भरम सकला काल माल माल बंते माल बते यदेकर मालंबते मालबते यदेका यदेकर रस यदेकर मुस रदेक यदेकर रस समुल सल समुल सल वणि खिल्ल लीलायितम लीलायित। बहुत डिफिकल्ट है सर, बढ़िया, इससे एक हमें प्रैक्टिस हो जाएगी पढ़ने की, कोई बात नहीं। प्रीतेश जी आप पढ़िए। कोशिश करता हूँ। अखंडित मनाकुलम ज्वला दनंत मंतर मंतर वही ज्वला दनंत मंतर वही मंतर मंतर वहीर मरहम महा परम मस्तु नह सहज मुद्विलासम सदा चिदुच्छलन निर्भरम सकल काल मालंबते यदेकर समुल्ल सल्लवन खिल्य लीलायितम। हाँ ठीक है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है, कठिन भी है। यदेकर समुल्ल सल्लवन खिल्य लीलायितम, खिल्य लीलायितम। हाँ प्रीतेश जी आप पढ़िए, सॉरी प्रेरित जी। अखंडित मनाकुलम ज्वलद नंत मंत वरहि महम परम मस्तु नह सहज मुद्वेलासम सदा चिदुच्छल ननिर्भरम सकल काल माल वते यदेकर समुल्ल सल वणि खिल्य लीला गीतम। ठीक है बढ़िया, आदर जी आप पढ़िए। अखंडित मना मनाकुलम ज्वल ज्वल दनन मंतर बहि मरह परम मस्तु नह सहज मुद्विलासम सदा
छिदुच्छलन निर्भरम सकल काल मालंबते यदेकर समुल्ल सल्लवणिन वणखिल्य लीलायितम। ठीक है, गुड, बढ़िया। विरल जी आप पढ़ेंगे। सौरभ जी मेरी हिंदी बहुत वीक है, मैं कोई बात नहीं, मैं पास लेता हूँ, सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात। सौरभ जी जो ज्वलन दन है ना, वो एक वर्ड है ना, जो ज्वलन दनन मंत बहिर महम, एक वर्ड है ना वो? ज्वलत अनंतम अंतः बहिर ज्वलत, ऐसा है, अनंतम अंतः बहिर ज्वलत। ओके, देखिए, तो इसका हिंदी ऐसा है कि खारेपन से भरी हुई जो नमक डली है, ज्ञान भाव से भरा हुआ त्यों निजातम है, अंतर बाहर प्रकट तेजमय सहज अनाकुल, जो अखंड चिन्मय चिदगन भय हमें प्राप्त हो। तो इसमें ये बता रहे हैं इस कलश के माध्यम से, जैसे कलश क्यों लिखे जाते, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, फिर से बता देता हूँ। आचार्य इज एक्सप्लेनिंग द माइंडसेट और द रियल मैसेज इन डिटेल रिसीव्ड फ्रॉम कुनकुंदाचार्य। सो कुनकुंदाचार्य वाज वेरी सीरियस एंड नॉलेजेबल आचार्य। तो कोई भी बहुत नॉलेजेबल पर्सन होता है वो अपनी बात को बहुत शॉर्ट में बोलता है, कुछ भी कहें उसकी शॉर्ट में कहने की आदत होती है, या फिर उसके पास इतना समय नहीं होता, और उस समय के लोग समझ भी जाते कि भाई आचार्य कुंद ने ये इतना शॉर्ट में कहा है और उसका ये ही तात्पर्य। धीरे धीरे समय निकला और फिर लोगों को और डिटेल की आवश्यकता पड़ी, तो फिर ये टीका लिखी गई। तो टीका में फिर मतलब कोई बोल सकता है कि नमक का उदाहरण तो मेन गाथा में तो है ही नहीं, कहां से आया? तो आचार्य अमृतचंद ने जो टीका लिखी है उसको ही, उसके माध्यम से ही वो बता रहे हैं कि साहब इस चीज का और डिटेल ये है। क्योंकि यूं समझिए कि वो आचार्य कुंद के हृदय की पूरी बात समझ गए थे, तो हृदय की पूरी बात समझकर उसको डिटेल में कैसे समझाना सामान्य लोगों को, वो उनने समझाया है। तो फिर उनने टीका भी लिखी और कलश भी उनने लिखा। तो कलश भी जो है उस विषय को क्लैरिफाई करने के लिए लिखा जाता है। तो वो 14 नंबर का हमारा ये कलश है, और इसमें कह रहे हैं कि जैसे खारेपन से भरी हुई नमक की डली है, नमक की डली जो है ना वो खारेपन से भरी हुई है। आई होप आप लोगों ने कभी ना कभी नमक की डली देखी होगी, आजकल तो पिसा हुआ नमक आता है। हमारे घर पे हम लोग खड़ा नमक लाते हैं और फिर उसको हम पीसते हैं, मतलब सेंधा नमक आता है, तो वो बड़े बड़े पत्थर आते हैं, छोटे छोटे पत्थर टाइप के आते हैं, और फिर हमारे यहाँ उसको धो के सुखाते हैं, फिर उसको पीसते हैं। तो यहाँ आचार्य ने भी सेंधा नमक, यहाँ पे यूएस में आजकल वो बड़े, मतलब वो आजकल वो स्लैब ही बोलते हैं, वो भी बेचने लगे हैं। सो अच्छा, आने लगे। हाँ, वो अगेन वो उसका रीजन अलग है, वो उनके बहुत लोग क्या फिशिंग करते हैं तो उसको खारा अला करने के लिए बहुत नमक यूज करते हैं, वैसा सब है। बट यहाँ पे भी वो पूरे पूरे डल्ले बेचने लगे हैं। अच्छा, डल्ले आने लगे, तो वो ये डल्ले वाले उदाहरण लिया है वो, कि एक नमक की डली लो आप, है ना। तो मुझे अच्छे से याद है, मैं छोटा था तब घर में ऐसा नमक आया करता था, तो मम्मी सुखाती थी, तो वो मैं उसमें से उठा लेता था। अब बच्चे थे अपन, तो ऐसे जवान पे रखते थे तो बड़ा मजा आता था उसको, खारा लगता था ना एकदम, और फिर दूसरी जगह से फिर चखा तो फिर खारा लगा, मतलब वो उसको कहीं से भी आप चखोगे तो वो खारा ही लगेगा। मतलब वो बचपन की नमक चखने की जो एक अज्ञान अवस्था में आदत थी, फिर जब ये समय सार के उदाहरण जब पढ़ने में आए तो मुझे लगा कि एकदम कितना प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया आचार्य ने, नमक से एग्जाम्पल दिया कि जिस तरह से नमक की डली जो है वो आप कहीं से भी चखें आपको खारी लगेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि इस तरफ से खारी लगेगी, इस तरफ से वैसी लगेगी। अब कोई कह सकता है कि सौरभ जी नमक की जगह कोई दूसरा एग्जाम्पल ले सकते थे, कि हल्दी का ले लेते, मिर्ची का ले लेते। तो दो एग्जाम्पल आए हैं जनवाणी में, एक शक्कर का और एक नमक का।
नमक का और शक्कर का एग्जाम्पल आत्मा को ज्ञान को समझाने के लिए इसलिए आया है क्योंकि नमक में एक स्पेसिफिक स्वाद है और अलग से पकड़ में आता है, हमें नमक का स्वाद जो है वो अलग से पकड़ में आता है वो, और शक्कर का भी ऐसा ही है। शक्कर भी जैसे मिश्री का उदाहरण आता है शक्कर में, तो मिर्ची चखेंगे अपन तो मिर्ची ऐसी चखने में नहीं आती क्योंकि अपन ऊपर ऊपर उसको चखेंगे तो वो तीखी नहीं लगती, लेकिन उसको फोड़ के खाएंगे तो तीखी लगती है, लेकिन नमक और मिश्री में ऐसा नहीं है। वो जैसे आपने डली ली तो डली लेते ही साथ आपने अपने जिह्वा पर रखी तो वो आपको खारी लगना चालू हो जाएगी। तो यहाँ कहा जैसे आप कहीं से भी चखो, वो सैंधव की डली या नमक की डली आप कहीं से भी चखें, लेकिन आपको वो कैसी लगने वाली है, आपको वो सैंधे की जो डली है वो आपको खारी ही लगने वाली है। इसी तरह से आप अपने आत्मा के ज्ञान स्वभाव को पहचानो और आत्मा को आप कहीं से भी जानो, वो ज्ञान स्वभावी है ना। अब जैसे अभी मेडिकल टर्म में पूछा जाए कि जानने का काम कौन करता है, तो मेडिकल टर्म बोलती नहीं नहीं वो हमारे मैसेज दिमाग तक पहुंचते हैं, दिमाग उस चीज को रिकॉग्नाइज करता है। और जैसे किसी ने अपना हाथ अग्नि पर लगाया तो 2 सेकंड बाद उसको ख्याल आता है कि मुझे जलन हो रही है, तो वो सिग्नल जो है हमारी नब्स के माध्यम से हमारे दिमाग में जाता है, फिर दिमाग हमें रियलाइज कराता है कि भाई आपका हाथ गर्म हो गया। ठीक है, वो ऐसा ही होता है एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ कह रहे हैं आप तो निखलस आत्मा को देखो, प्योर आत्मा को देखो, तो उसके हर कण में ज्ञान है, केवल दिमाग की जगह ज्ञान नहीं है, उसके तो हर जगह ज्ञान है। वो आत्मा कहीं भी ज्ञान से रहित है ही नहीं। वो जैसे नमक की डली ज्ञान से रहित नहीं है, वैसे ही ये भी ज्ञान से रहित नहीं है। तो अब वैसी जो आत्मा है, कौन सी आत्मा, जो कि चारों तरफ से ज्ञान से भरी हुई है, सामान्य आत्मा जिसमें कोई मिक्सअप नहीं है, वो आत्मा अनाकुल आत्मा जो है, वो तेजमय जो आत्मा है, सहज जो आत्मा है, वैसी आत्मा हमें प्राप्त हो ऐसी आचार्य ने यहाँ भावना भाई है। तो इसको हम पढ़ेंगे भी तो और ख्याल में आएगा। वैसे इस कलश में डिटेल इतना ही है। शेयरिंग करी ना आपने। वो टीचर निकाल देती है। तो इसमें है कि जिस प्रकार नमक की डली जो है वो खारेपन से लबालब भरी हुई है, और उसी प्रकार आत्मा ज्ञान रस से लबालब भरा हुआ है। लबालब शब्द जो है वो थोड़ा सा हमें ये बताता है कि पूरी तरह से उसमें नमक ही नमक है। लबालब मतलब डेली रूटीन में भी हम लोग यूज करते हैं कि जैसे आपका पानी का ग्लास तो लबालब भरा हुआ है, तालाब जो है वो लबालब भरा हुआ है। तो इसी तरह से वो नमक में जो खारापन है, वो नमक में खारापन भी एकदम पूरा भरा हुआ है, लबालब है वो। उसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि उसमें खारेपन से कहीं भी वो रहित हो वो। तो उसी तरह से जो ज्ञान है वो भले ही गेयों को जानता है, लेकिन गेयों को जानने से ज्ञान खंडित नहीं होता, वो अखंडित ही है। तो आत्मा इसलिए अखंडित भी है। और परद्रव्य को जानने से आकुल नहीं होता, मतलब परद्रव्य सहज में झलकते हैं तो मूल रूप में उसका आकुल होना स्वभाव नहीं है, मोह के कारण से आकुल होता है, तो अनाकुल है। फिर वो ज्ञान कैसा है, अविनाशी है ना, और अंदर से दैदिप्यमान है, और सहज रूप से सदैव वैसा ही हो रहा है वो, और चैतन्य से परिपूर्ण है। तो ऐसा उत्कृष्ट तेजमय आत्मा जो है वो हमें प्राप्त हो जाए। उसे किसी ने रचा नहीं है, वो जैसा है वैसा ही है आत्मा। नमक में स्वाद किसी ने रचा नहीं है, तो नमक का तो जो स्वभाव है स्वाद है वैसा ही है अनादिकाल से। इसी तरह से आत्मा भी सहज है अनादिकाल से, और ज्ञान से ही भरी हुई है आत्मा। ठीक है, तो इसमें आचार्य ने मतलब 15 नंबर की गाथा की जो टीका लिखी है और जो कलश बताया है, उनने इसमें यही बताया कि आप अपनी आत्मा को सर्व प्रकार के संयोगों से रहित देखकर
जिस प्रकार से नमक का आप स्वाद लेते हैं तो चारों ओर से नमक का स्वाद लेने पर खारापन ही आपको स्वाद में आता है, उसी प्रकार से आप अगर आत्मा को जानेंगे, ज्ञान रूपी आत्मा को जानेंगे, गेयों से गेयों को गौण करके मात्र ज्ञान को जानेंगे, तो आपको वो आत्मा ज्ञान मात्र दिखेगा और उसके हर कोने में ज्ञान है और वो अविनाशी है, दैदिप्यमान है, सहज है, चैतन्य के परिणमन से पूर्ण है, तेजमय है, है ना। तो इतनी सारी उसमें विशेषताएं हैं और ऐसी आत्मा हमें सदा प्रकाशित होती रहे, ये भावना इसमें भाई गई है। फिर इसके बाद 16 नंबर की गाथा आ जाती है और वैसे इसके बीच में अपन देखें तो आचार्य जयसेन ने जो पदपस टीका है ना, इसमें और एक गाथा, एक दो गाथा उन्होंने ऐड की है, तो वो कुछ इसी से संबंधित है। वो तो ऐसे कि निज ज्ञान में आत्मा दर्शन चारित्र में और योग संवर प्रत्याख्यान भी आत्मा, आत्मा जो है वो दर्शन में भी आत्मा है, ज्ञान में भी आत्मा है, चारित्र में भी आत्मा है, तो वो सभी जगह जहां आप देखोगे वो आपको आत्मा ही दिखाई देगी। सोलह नंबर की जो गाथा है, अब 17 नंबर की गाथा बड़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे सारी गाथाएं मैं इंपॉर्टेंट बोलता हूं लेकिन 17 नंबर की गाथा आप लोग जब वो समय सार की पिक्चराइजेशन वाला देखेंगे ना तो उसमें आपको दिखेगी, तो वो बहुत मतलब वो जब मैंने पिक्चर बनाई थी उसकी तो बड़ा उसमें आनंद आया था कि एक राजा और सेवक वाली एक गाथा है वो, और उसमें पिक्चर बनाया था, तो वो बनाने में एकदम गाथा मुझे उस समय क्लियर हुई थी कि आचार्य इसमें क्या कह रहे हैं। तो अब वही 16 नंबर की गाथा के बाद जब 17 नंबर की गाथा पर जाएंगे तो वैसी कुछ भूमिका जमाएंगे कि अब आत्मा को कैसा जानना चाहिए। तो 16 नंबर की गाथा मैं यहां से पढ़ता हूं, आप लोग उसको फिर दोहराएंगे। मैं एक बार पूरी पढ़ूंगा फिर आप लोग पढ़ेंगे। दंसनान चरितानि सेविदव्वानि साहुणाणचम ताणि पुनजान तिन्निवि अपाणम चेवणे छेदो। सरल है, फिर से पढ़ता हूं मैं। दंसनान चरितानि सेविदव्वानि साहुणाणचम ताणि पुनजान तिन्निवि अपाणम चेवणिच्छेदो। सॉरी, इसके पहले एक कलश और आया है, मुझे अभी दिखा, मैं देखना भूल गया इसको। 14 के बाद 14 नंबर का कलश और आया है, 15 का, सॉरी, ये ऊपर जो दिया है ना, एश एश ज्ञान घनो नित्यात्मा, ये कलश एक्चुअली में ये। तो एक बार ये भी पढ़ लेते हैं, ये भी उसी बात को समझाने के लिए बताया गया है पिछली रात आपको, तो ये मैं एक बार पढ़ता हूं। एश ज्ञान घनो नित्यमात्मा सिद्धम भीप्सु भी साध्य साधक भावेन द्विध कहा समुपास्यताम। फिर से पढ़ रहा हूं। एश ज्ञान घनो नित्यात्मा सिद्धम भीप्सु भी साध्य साधक भावेन द्विध कहा समुपास्यताम। हाँ, अब आप लोग पढ़िए। एष ज्ञान धनो नित्यात्मा सिद्धि मभिशुभि साध्य साधक भावेन द्विदैकः समुपाश्यताम। बढ़िया, एकदम सही पढ़ी, ये थोड़ी सरल है। हाँ, आप पढ़िए, आदर्श जी आप पढ़िए। एष ज्ञान घनो नित्यात्मा सिद्धिं भी 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 भी
सिद्धम भीप्सुभि सिद्धम भीप्सुभि साध्य साधक भावेन द्विधेक समोपास्यताम। हाँ बढ़िया, सही पढ़ी। हाँ प्रतीश जी आप पढ़िए। एष ज्ञान घनो नित्यमात्मा सिद्धिं भिप्सुभि साध्य साधक भावेन युधैकः समुपास्यताम्। वेरी गुड, एकदम सही पढ़ी। एष ज्ञान घनो नित्यमात्मा सिद्धिं भिप्सुभि साध्य साधक भावेन द्विधकः समुपास्यताम्। इसका हिंदी ऐसा है कि यदि काम ना है सिद्ध की, ना चित्त को भरमाइए, यह ज्ञान का घनपिंड चिन्मय आत्मा अपनाइए, बस साध साधक भाव से इस एक को ही ध्याइए और आप भी पर्याय में परमात्मा बन जाइए। तो इसमें बता रहे हैं आचार्य 15 नंबर का कलश जो है, मतलब ऐसा लगता है मुझे कि आचार्य अमृत चंद्र को टीका लिखते समय बड़े आनंद का अनुभव हो रहा था और उनको ऐसा लग रहा था कि और ज्यादा से ज्यादा लिख दो, और लिख दो, और लिख दो। तो चूंकि लिखने की सीमा होती है, एक राइटर होता है तो वो राइटर ऐसे नहीं बनता। अच्छा राइटर जो होता है वो बहुत सारी किताबों को पढ़ के बनता है, बहुत सारे नॉलेज को गैदर करता है। जब कोई रिसर्च वर्क करता है, पीएचडी करता है, तो उसे बहुत सारा नॉलेज गैदर करना पड़ता है और उसे ऐसा लगता है कि अब तो मैं 1000 पेज लिख दूंगा, लेकिन यूनिवर्सिटीज ने सीमाएं बांध रखी हैं कि भाई आप 250 से 300 पेज लिखिए, मैक्सिमम आप 400 पेज जा सकते हैं, उससे ज्यादा तो बढ़ ही नहीं सकते। ऐसे ही मुझे ऐसा लग रहा है कि आचार्य अमृत चंद को बहुत अंदर में उल्लास था और वो तो बहुत कुछ लिखना चाहते थे, आचार्य कुंद कुंद के हृदय को और क्लियर करना चाहते थे, लेकिन चीजें ज्यादा डिटेल में हो जाने से भी लोगों के पढ़ने में नहीं आएंगी, तो उनने अपने भावों को रोका भी नहीं और बहुत आगे बढ़ने भी नहीं दिया। तो उनने 15 नंबर के बाद, 14 नंबर के बाद फिर 15 नंबर का कलश लिखा और उनने कहा कि भाई जो बात मैंने पहले बताई है, तो अगर आपको सिद्धि की आप बनना है, आपको अपना कल्याण करना है, तो आप अपने उपयोग को मत भटकाइए, है ना, और आप केवल साध समझ लो, साधक समझ लो, आप ही साध हैं, आप ही साधक हैं, जिसकी साधना की जाती है वो साध है, जो साधना करता है वो साधक है, तो आप ही साध, आप ही पूजक हैं, आप ही पुजारी हैं, दोनों ही आप हैं, तो बस इसको ही ध्याओ आप। जो पुराने, जो पहले आत्मा की हमने बात करी ना, कलश में, गाथा में, जो खारेपन से भरी हुई नमक डली, एक प्योर आत्मा, ज्ञान मात्र आत्मा। तो अगर आपको सिद्धि करनी है, ज्ञान की सिद्धि करनी है, आप तो फिर आप सिद्ध बनना है तो आप अपने चित्त को मत भरमाओ। आप तो क्या करो, आप तो मात्र एक अखंड ज्ञान चिन्मय रूप आत्मा को अपनाओ और जब आप ऐसा करेंगे तो आप भी परमात्मा बन जाएंगे, उसका ही सेवन करने योग्य है और किसी का सेवन करने योग्य नहीं है। तो इस तरह से 15 नंबर के कलश में जो एक मुझे समझ में आया कि आचार्य अमृत चंद ने टीका लिख दी, एक 40 नंबर का कलश लिख दिया, फिर 15 नंबर का क्यों लिखा, तो वो यही ख्याल में आता है कि उनके अंतरंग में इतना आनंद था और उनके पास इतना सारा डेटा था कि वो बहुत कुछ लिख सकते थे, लेकिन शब्दों की सीमा थी, फिर भी उनने अपने आनंद को एक और कलश लेके, 15 नंबर का कलश लेके, एषा ज्ञान घनो नित्यमात्मा सिद्धम भीप्सुभि साध साधक भावेन द्विधका समुपास्यताम्। तो आप दोपना मत मानिए अपनी आत्मा में, आप अपने आप को एक ज्ञान रूप आत्मा अनुभव कीजिए और ज्ञान रूप आत्मा नित्य है, जब आप ऐसा करेंगे तो आप स्वयं भी आगे जाके परमात्मा बन जाएं। इस तरह से हमारा 15 नंबर का कलश पूर्ण हुआ आज। अब हम अगली बार 16 नंबर की गाथा पढ़ेंगे और 16-17 एक साथ तो नहीं लेंगे, लेकिन
अगली बार तो नहीं आएगी, 17 नंबर की गाथा, उससे अगले उसमें आएगी, तो वो 16 नंबर से रिलेटेड रहेगी वो, तो पढ़ते हैं। अभी समय हो गया हमारा, हम लोग जिनवाणी से लेते हैं। सर जी 15वीं पे एक दो प्रश्न थे, लेकिन नेक्स्ट टाइम ही लेंगे। हाँ कोई बात नहीं, आप पूछ लीजिए, लिख लीजिए, पूछ लीजिए। ठीक है, जिनवाणी स्तुति लेते। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सत बार है, वंदना सत बार। जय जिनेंद्र सभी को, जय जिनेंद्र सभी को। और जस्ट टू लेट एवरीवन नो, वी स्टार्ट क्लास एट एग्जैक्टली 8 o'clock। सो अगेन सौरभ जी और हम लोग आ गए थे, आप सब भी ट्राई करना कि हम ट्राई कर रहे हैं कि 8 to 9 एग्जैक्टली वही टाइम पे स्टार्ट हो, वही साइड पे खत्म। जस्ट लेटिंग एवरीवन, ओके। जय जिनेंद्र सभी को, जय जिनेंद्र, थैंक यू। जय जिनेंद्र सौरभ जी, थैंक यू।